नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। राजनाथ सिंह ने बदजुबानी के लिए दी मंत्रियों को हिदायत। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय मंत्रियों की बयानबाजी पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें हिदायत दी है कि वे बदजुबानी से बचें। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि कोई ये कहकर नहीं बच सकता कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। सनद रहे कि केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कुछ साल पहले के दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल के बयान पर सहमति जताते हुए कहा था कि उत्तर भारतीय नियम कायदे तोड़ने में गर्व महसूस करते हैं और उन्हें ऐसा करने में मजा आता है। जबकि दूसरे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा था कि केंद्र सरकार का दलित बच्चों की मौत से कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर कोई कुत्ते को पत्थर मारे तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। नवाज शरीफ को अमेरिकी विदेश मंत्री ने लगाई फटकार। अमेरिका दौरे पर गए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई न करने पर भरी सभा में कड़ी फटकार झेलनी पड़ी। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अमेरिकी दौरे पर गए हुए हैं। वहां उन्होंने आतंकवाद और कश्मीर मसले पर भारत के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही पाक स्थित लश्करे तैयबा और अफगानिस्तान स्थित हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकवादी गुटों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर उन्हें कड़ी फटकार लगाई। सड़क पर उतरे साहित्यकार, दिल्ली में किया शांति मार्च। देश के कई नामी लेखकों ने आज देश में बढ़ती असहिष्णुता के खिलाफ शांति मार्च किया। देश भर से करीब 100 लेखक मंडी हाउस में श्रीराम सेंटर के पास एकत्र हुए और वहां से साहित्य अकादमी तक मार्च किया। खास बात यह है कि एक तरफ घटती असहनशीलता का विरोध कर रहे साहित्यकार हैं तो दूसरी ओर इस मुद्दे पर सम्मान लौटाने वाले लेखकों के विरोध में भी कई लेखक प्रदर्शन कर रहे हैं। गायक अभिजीत पर छेड़छाड़ का आरोप। बॉलीवुड के पार्श्व गायक अभिजीत भट्टाचार्य के खिलाफ यहां एक समारोह में एक महिला के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यहां बताया कि एक कथित घटना गुरुवार रात मुंबई के अंधेरी उपनगर स्थित लोखंडवाला में एक समारोह के दौरान हुई। अभिजीत समारोह में एक आयोजक के तौर पर उपस्थित थे जबकि महिला को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। वनडे खेलकर विराट कोहली ने बनाया नया रिकॉर्ड। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक जड़कर एक और रिकॉर्ड कायम कर लिया। अब वे टेस्ट खेलने वाले सभी देशों के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 23 शतक जड़ने वाले दुनिया के 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली ने गुरुवार को 138 रन की पारी के दौरान ये उपलब्धि हासिल की। उनसे पहले भारत के ही सचिन तेंदुलकर, दक्षिण अफ्रीका के हर्षल गिब्स और आशिम अमला और ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। वेब दुनिया समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com।